किसान सम्मेलन से एक दिन पूर्व उज्जैन पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है और दिल्ली से आंदोलन कर रहे किसानों की तुलना सांप, बिच्छू, नेवले, कुकुरमुत्ते से की है जो बाढ़ से बचने के लिए एक ही पेड़ पर इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे कि बाढ़ आती है और बाढ़ में जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, घरों में घुसता है, तो सांप, बिच्छू, गोरिया, नेवलिया जितने भी लोग एक पेड़ पर चढ़ते हैं, जितने भी जीव लेना और अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को देखते देखते इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो आंखों फूटी नहीं सांप करते वो एक हो गए। इसी प्रकार देश में विकास की और मोदी जी की बाढ़ आई हुई है, सारा विपक्षी उसमें बह रहे हैं और इसलिए सारे इकट्ठे हो गए और विरोध कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं देश को। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि किसानों को आपके माध्यम से कानून के बारे में बताएं, किसान गुमराह ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश व केंद्र के नेतृत्व ने तय किया है कि इस कानून के बारे में जागरूकता लाएंगे, जन जागरण अभियान के माध्यम से किसान को बताएंगे कि किस प्रकार कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे किसान संगठन, 500 किसान संगठन अभी अभी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह किसान संगठन नहीं है बल्कि दलालों का संगठन है, ये विरोधियों के देशद्रोहियों के संगठन है, वे इनका पर्दाफाश करेंगे। दरअसल वे उज्जैन के भाजपा कार्यालय स्थित लोकशक्ति भवन में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, उज्जैन। इस प्रकार विपक्ष तथा कथित कुकुरमुत्ते की तरह हुआ है किसान संगठन, 500 किसान संगठन ये अभी अभी बन गए, ये किसान संगठन नहीं है, दलों के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होना नहीं देना चाहती उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे इस जनजागरण अभियान के माध्यम से।